हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वन डे ट्रिप के लिए बाहर, सो एंड मैं उसके लिए पैक कर रही थी, सो मैंने सोचा आपको भी बता दूँ। सो बेसिकली हमारी पैकिंग है एंड बेबी की भी पैकिंग है, दोनों ही करने वाले हैं। सो मैंने सोचा ये भी आपके साथ क्यों ना शेयर करूँ। अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, बेल बटन हिट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मुझे आपको कुछ एक अमेजिंग एक्साइटिंग चीज़ बतानी थी, जो कि है कि पिलग्रिम पे चल रही है बर्थडे सेल। यस, पिलग्रिम इज़ टर्निंग 3 एंड उनके वेबसाइट पे चल रही है बर्थडे सेल। बहुत सारे ऑफर्स हैं, मैं ऑफर्स के बारे में बताऊँगी, बट मुझे बेसिकली आपको बताना था कि इस सेल में से मेरे टॉप 3 रिकमेंडेशन क्या होंगे एंड आप भी इस सेल का कैसे फ़ायदा ले सकते हैं। रिकमेंडेशन के पहले बता दें तो कितने सारे ऑफर्स जो चलेंगे। ये सेल होने वाली है फ्रॉम 25th of August टू 28th of August एंड इसमें जो भी सारे ऑफर्स होने वाले हैं वो होने वाला बाय वन गेट वन ऑन ऑल डे, सुपर सेल एट 8 PM जहाँ एवरी डे, हैप्पी आवर्स होंगे एट 3 PM एवरी डे जहाँ पर आपको कुछ सरप्राइजेस मिल सकते हैं, आपको चांस मिल सकता है आईफोन जीतने का, न्यू लॉन्चेस भी होने वाले हैं एंड सबसे बड़ी बात 28 रैंडम बायर्स को मिलेगा 100% कैशबैक। सो आप सोच क्या कर रहे हैं, इस सेल का पूरा पूरा फ़ायदा उठाइए, बहुत सारे ऑफर्स हैं एंड मेरे टॉप 3 पिक्स मैं आपको बताने ही वाली हूँ। सो फर्स्ट जो मेरा पिक है बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सा प्रोडक्ट, वो है पिलग्रिम का 24 कैरेट्स गोल्ड सीरम विथ नायसिनमाइड एंड हाइड्रोलोनिक एसिड है, ऑल स्किन टाइप्स के लिए सूटेबल है। कुछ इस तरीके की पैकेजिंग आपको मिल जाती है, अमेजिंग से ग्लास बॉटल में मिल जाती है। इसके अंदर आपको गोल्ड पार्टिकल्स ही दिख रहे होंगे, बहुत ज़्यादा अमेजिंग सा इसकी जो पैकेजिंग है बहुत ज़्यादा लग्जूरियस दिख रही है। यह है इनके सीक्रेट्स ऑफ जेजू आइलैंड की रेंज में। इसके बेनिफिट्स की बात करूँ तो क्योंकि इसमें 24 कैरेट गोल्ड है, ये आपके स्किन पे एक ग्लोइंग इफेक्ट ला, हाइड्रोलिक एसिड जो है आपके स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट करेगा, डीपली हाइड्रेट करेगा, नायसिनमाइड जो है आपके स्किन टेक्सचर को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। इसके टेक्सचर की बात करो तो बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है, बिल्कुल भी आप टैकी फील नहीं होगा, स्किन में अब्जॉर्ब हो जाता है एंड एक शाइनी फिनिश छोड़ देता है। इसको सिर्फ आप अपने स्किन केयर नहीं बट मेकअप रूटीन में भी यूज़ कर सकते हो, इसको एज अ प्राइमर एज अ बेस यूज़ कर सकते हो। यस, मैंने आज इसी को ही एज अ बेस यूज़ किया है एंड मेरा जो मेकअप है बहुत ज़्यादा अच्छे से सेट हो गया है। रिटेल करता है 595 रुपीज़ का, बट जैसे कि मैंने बोला सेल चल रही है, बहुत सारे ऑफर्स है, वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं, मैं सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेरा पिक है वो है पिलग्रिम का सीक्रेट्स ऑफ जेजू आइलैंड का रेटिनॉल नाइट क्रीम। इसमें विटामिन सी एंड हाइड्रोलोनिक एसिड, विटामिन सी जैसे कि आपको पता है बहुत ज़्यादा सबका फेवरेट होता है, स्किन को ग्लो करने में हेल्प करता है, क्लियर करने में हेल्प करता है, डार्क स्पॉट्स हटाने में हेल्प करता है, रेटिनॉल जो है आपके साइंस ऑफ एजिंग ट्रीट करने में हेल्प करता है, ऑल स्किन टाइप्स के लिए परफेक्ट है। इसकी MRP है 650 रुपीज़। टेक्सचर की बात करूँ तो कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पर क्रीम मिल जाएगी, नाइट क्रीम है, आपके स्किन को डीपली रिपेयर करने के लिए रात को इसे लगाइए, बहुत ज़्यादा अमेजिंग सन हो आपके स्किन में ट्रीट हो जाएगा। अगेन देखो, स्किन में बहुत ज़्यादा इजीली अब्जॉर्ब हो जाता है, बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है, टैकी नहीं है, ऑयली नहीं है। रेटिनॉल जो है वो आपके स्किन के रिन्यूअल प्रोसेस में हेल्प करेगा, कोलेजन प्रोडक्शन को बढ़ाएगा, विटामिन सी हाइपरपिगमेंटेशन को फेड आउट करने में हेल्प करेगा। उनकी बर्थडे सेल में बिल्कुल आप इसको ट्राई कर सकते हैं। इसी की रेंज का थर्ड मेरा जो पिक है वो है एक अंडर आई क्रीम, पिलग्रिम की रेटिनॉल अंडर आई क्रीम। अगेन ये विटामिन सी एंड हाइड्रोलोनिक एसिड है इसमें, इसके MRP है अराउंड 450 रुपीज़ एंड आपको टेक्सचर कुछ इस तरीके का मिल जाएगा। ये जो नाइट क्रीम है उससे थोड़ा सा थिक टेक्सचर है, ये नाइट क्रीम है उससे थोड़ा सा थिक टेक्सचर है बिकॉज आपके अंडर आईज़ को और ज़्यादा हाइड्रेशन चाहिए होता है। अगर आपके पफिनेस है, अंडर आई बैग्स है, तो उसको रिड्यूस करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, आपके पफिनेस को प्रिवेंट भी करेगा, रिवर्स भी करेगा, डार्क सर्कल्स को ट्रीट करने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बहुत अच्छे से आपके अंडर आईज़ को हाइड्रेशन प्रोवाइड करेगा। सो ये थे मेरे 3 रिकमेंडेशंस। अगर पिलग्रिम ब्रांड की बात करूँ तो 100% वेगन ब्रांड है, पैराबेंस नहीं है, सल्फेट्स नहीं है एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये मेड इन इंडिया ब्रांड है, प्लास्टिक पॉजिटिव है, पीटा सर्टिफाइड है। सो बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे गुडनेस यहाँ पर भरी हुई है, सो यू कैन डेफिनेटली ट्राई एंड इस जो सेल है उसका फ़ायदा उठा सकते हो। सो बढ़ते हैं आगे वीडियो में, इसे पहले शुरू कर रहे हैं बेबी की पैकिंग। यहाँ पर मैंने ले लिया है एक ये बैग जो मैंने अमेज़ॉन से लिया था, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मैं हर जगह इसका एज अ डायपर बैग यूज़ करती हूँ। इसमें क्लोथ्स भी आ जाएंगे, आपके डायपर्स भी आ जाएंगे, बॉटल्स वगैरह भी सब कुछ बेबी का सामान आ जाता है।
आगे भी कुछ इस तरीके के पॉकेट्स हैं जिसमें आप बॉटल्स वगैरह रख सकते हो। सबसे पहली बात, आप कभी भी कहीं भी पैकिंग कर रहे हैं तो नोट डाउन कर लीजिए आपको क्या क्या चाहिए, तो कि पैकिंग बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी। सो बेबी के लिए जब भी पैकिंग करें कुछ एक्स्ट्रा क्लोथ ज़रूर रख लें। यहाँ पर भी मैंने कुछ 3-4 एक्स्ट्रा क्लोथ रख लिए हैं क्योंकि वो गंदे हो जाते हैं, बार बार चेंज करने पड़ते हैं, तो एक्स्ट्रा क्लोथ ज़रूर रखें। कुछ यहाँ पर मैंने सॉफ्ट टॉवल्स रख लिए हैं मुँह पोछने के लिए, अगर मुँह धोना है वगैरह है, कुछ गिरा है तो पोछने के लिए। कुछ यहाँ पर बिब्स रख लिया है ताकि जब भी खाए तो उनके जो कपड़े हैं वो गंदे ना हो। ये लिए थे मैंने फर्स्ट क्राई से, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। नेक्स्ट कुछ कपड़े ले लीजिए, मैंने यहाँ पर सॉफ्ट वाले कॉटन वाले मसलिन क्लॉथ भी ले लिया है ताकि अगर वो कहीं पर उनको सोना है तो वो नीचे बिछा सकते हैं या फिर उनको एज ए ब्लैंकेट भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ड्राई शीट भी ले ली है नैपीज़ वगैरह चेंज करने के लिए, ड्राई शीट बहुत ज़्यादा अच्छी पड़ती है। डायपर्स तो लेने पड़ेंगे ही, इसमें यहाँ पर डायपर्स ले लिए हैं। मैंने ले लिए डायपर रैश क्रीम, यहाँ पर मैंने हिमालय वाली यूज़ करी है एंड कुछ वेट वाइप्स भी ले लिए हैं। यहाँ पर मैं यूज़ कर लव लैब के मामा अर्थ का टमी रोल ऑन लिया है ताकि अगर कोई भी गैस या अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो वो ईजिली सॉर्ट हो जाए। सनस्क्रीन ली है मामा अर्थ की एंड एक छोटे से डब्बे मैंने लोशन भी ले लिया है। फुल बॉटल कैरी करने का कोई मतलब नहीं है, सो यहाँ पर छोटे डब्बे मैंने डाल लिया एंड उसकी बाकी सारी मेडिसिन ले लिए इन केस इमरजेंसी ज़रूरत पड़े तो। बेबी के लिए जब भी ट्रैवल करें उनकी सारी मेडिसिन वगैरह सब साथ में रखें। पेयर ऑफ शूज़, कैप, सब कुछ यहाँ पर ले लिया है। यहाँ पर एक कैरी ये भी ले लिया है ताकि अगर वो उनको घुमाना पड़े बेबी को तो वो ईजीली कैरी करके घुमा सकते हैं। अब इन सब को अच्छे से फटाफट से पैक कर लिया है एंड बॉटल, दूध की बॉटल, खाने का सामान लास्ट में रखा जाएगा एंड ये है बाकी सारी चीज़ें जो फटाफट से यहाँ पर मैंने पैक कर ली है। ये वीडियो ज़रा भी अच्छा लग रहा होगा, हेल्पफुल लग रहा, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। और मेरे चैनल पे नए हैं, इस तरह की और भी यूज़फुल वीडियोज़ फैशन, लाइफ स्टाइल, ब्यूटी के से रिलेटेड, बेबी से रिलेटेड वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल बटन को हिट कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं मेरी पैकिंग की तरफ एंड क्योंकि सिर्फ वन डे के लिए जा रहा तो बहुत ज़्यादा पैकिंग नहीं है। ये सूट मैंने निकाल लिया है पहन कर जाने के लिए एंड ये ड्रेस निकाल लिया है वहाँ जाकर चेंज करने के लिए, छोटे से फंक्शन के लिए जा रहे हैं इसलिए वहाँ जाकर चेंज करेंगे। यहाँ पर इयररिंग्स रख ली है पाउच में एंड इस बड़े सारे पाउच में सारा ही मेकअप एंड स्किन केयर एंड इयररिंग्स रख लूँगी। कॉम्पैक्ट लिया हमें स्टे करके का, पॉन्स का मॉइस्चराइजिंग जेल लिया, बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट जेल है। यहाँ पर बेस के लिए मैंने कोई फाउंडेशन नहीं लिया है, मैंने लिया है स्विस ब्यूटी का लिक्विड कंसीलर, बहुत ज़्यादा अमेजिंग सा कंसीलर है, सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो भी किया हुआ है। लिपस्टिक के लिए मैंने ली है यहाँ पर नायका की लिपस्टिक, ये बहुत ही सुंदर सा एक वाइन शेड में है, थोड़ा सा डार्क लग सकता है पर आप इसको फेड आउट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगता है। पैकअप के लिए मैंने ले लिया यहाँ पर लैक्मे की क्रेयॉन लिपस्टिक, थोड़े से रेड शेड में है एंड काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग सी लिपस्टिक है ये भी। उसके बाद लिया है मेबलिन का कलोसल काजल, एक छोटा सा मिरर एंड बस इन सब चीज़ को हम पैक कर लेंगे। फेस वॉश के लिए मैंने यहाँ पर लिया छोटा सा हिमालय का प्यूरीफाइंग फेस वॉश क्योंकि बड़े सारे ट्यूब्स कैरी करने का कोई मतलब नहीं है, थोड़ी बहुत स्क्रंचीज एंड दैट्स इट। ये सारी चीज़ें हम छोटे से एक पाउच में पैक कर लेंगे एंड ये हमारा वैनिटी रेडी हो जाएगा। दैट्स इट, ये होगी हमारी पैकिंग, क्विक एंड ईजी से पैकिंग। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड पिलग्रिम की बर्थडे सेल चेकआउट करना ना भूलिएगा। बाय बाय।